أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير، وبك نستعين، آمين يا رب العالمين. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने कुरान को देखा था, हमने सूरतुल फातिहा को तजवीद के साथ पढ़ा था. आपने उसको तजवीद के साथ अपनी नमाज में अप्लाई किया? जी गुड. कल के लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी. हमने मत के बारे में पढ़ा था, सुकून के बारे में पढ़ा था, तनवीन के बारे में, हरकात के बारे में. रिमेम्बर? जी ठीक है. अब पहले आप मुझे ये सूरतुल फातिहा विद तजवीद रूल जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जो आपने मखारिज देखे हैं, उनके मुताबिक मुझे सुनाएं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. शाबाश. कल हमने खरी हरकात देखी थी, जी ये वाली, ये देख, इसको कहते हैं खरी हरकत. ये भी खरी हरकत है जिसको हम थोड़ा लंबा करके मद करके पढ़ते हैं. ठीक है, इसको जी आपने लंबा करना है और इसमें मकदारें होती हैं तीन. आप छोटी मकदार भी इसमें रख सकते हैं, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह. इसको एक दफा रिवाइज करता हूँ मैं, फिर हम अगले सबक तरफ चल पड़ेंगे इंशाल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم أعوذ الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نعبد، نستعين. لمبا نہیں کرنا، نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين، تا ہے، تو نہیں ہے، نستعين. نستعين. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أباك إن شاء الله. سورة البقرة ہے ہمارے پاس. بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. اس میں چونکہ گائے کا ذکر ہے تو اسی مناسبت سے اس کی بجائے تسمیہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے. آج ہم یہ پہلا پیج دیکھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور اس ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں. اس سے پہلے یہاں پہ جو لکھا ہے یہ الف لام اور میم, یہ ہوتے حروف مقطعات, ٹھیک ہے. اب بس ہم اس کو سمجھنا ہے, اس کا ایک رول الگ ہے, وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں. حروف مقطعات میں یہ ہے کہ ये वो हरूफ होते हैं, एक तो अलग अलग पढ़े जाते हैं, ठीक है, आपने इसको मिलाना नहीं होता, और ये हरूफ मुफरदात से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हरूफ मुफरदात जो है वो हरूफ तहजी होते हैं, ठीक है. ये जो है हरूफ मुकत्तआत है, ठीक है. ठीक है इसमें एक जो हरफ होता है आपका, वो अलग अलग करके हम पढ़ते हैं, ठीक है. और बिल्कुल इसमें डिफरेंट रूल्स भी अप्लाई होते हैं हरूफ मुकत्तआत के. खैर, अब हम इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आपको आवाज आ रही है? राशिद, ये आ रही है आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अच्छा, अब आ रही है, आप भाई है, पहले तो अब बिल्कुल नहीं आई थी. दोबारा पढ़ें जो आपने पढ़ा है. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف لام، ألف لام. ألف لام ميم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. अब आप देखें, हमने यहाँ पे वक्फ किया है, क्या किया है, वक्फ किया है, तो ये सलात हमने नहीं पढ़ा, हमने ता को गिरा दिया है और हा हमारे पास बचा है, इसलिए हमने इसको पढ़ा है वयुकीमूनस्सलाह। ठीक, आप यहाँ पे वक्फ भी कर सकते हैं और आगे से हम पढ़ेंगे वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون ينفقون अब इसमें हमारे पास दो रूल्स हैं, एक ये वाला रूल है और एक ये वाला रूल है हमारे पास। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। देखिए, एक है हमारे पास गुन्ना, क्या है हमारे पास ना। गुन्ना, गुन्ना होता है कि आपने नाक में आवाज को लेकर जाना, ठीक है, और ये होता है मीम मुशद्दद पे, या फिर नून पे नून मुशद्दद। ये जो थ्री जैसे निशान है ये आपके पास तशदीद, इसको हम कहते हैं, तो ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है। तब आप यहाँ देखें, ये मीम है ना, मीम जेर मीम 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 अलिफ जबर मा मीम मा। ठीक है, अब आप इसको पढ़ें और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके जो दोनों होंठ है वापस में चिपक जाएंगे और आपको अपने नेजर कैविटी में कुछ सरसराहट सी भी फील हो। वमिम्मा वमिम्मा ومما आपको अपने नेजल कैविटी में कुछ फील हुआ सरसाहट से, तो जी ये आपके पास क्या है, गुन्ना है, क्या है, गुन्ना कुन्ना है। ये नून साकिन और नून तनवीन के और मीम साकिन और मीम मुशद्दद वगैरह के ये तमाम हमारे पास रूल होते हैं, हम इसको इंशाल्लाह कल देखेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, ये जो अभी है, अभी हम जस्ट इसकी प्रैक्टिस देखेंगे। ओके, अब आप यहाँ पे आइए, ये देखिए यहाँ पे नून साकिन है हमारे पास, ये हो गया गुन्ना। अब एक है हमारे पास इख्फा, एक मिनट में आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। अभी हमने गुन्ना देखा, अब हम देखेंगे इख्फा। आपने मख्फी कभी वर्ड सुना है, मख्फी छुपा हुआ वर्ड सुना, छुपा हुआ नहीं, नहीं, अगर कोई चीज छुपती है, साइलेंट वाली साइलेंट नहीं कोई कंसील करना, सप्रेस करना किसी चीज को, किसी नहीं मालूम चीज को छुपाना। जी। जी, अब एक तो हम बिल्कुल नाक के अंदर आवाज करके हमने गुन्ना को पढ़ लिया कि हमने नाक के अंदर ले जाके क्या करना है, आवाज को अपनी अदा करनी है। अब एक होता है कि हमारी
हम नाक के अंदर आवाज को छुपा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आवाज को छुपा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास वो होता है इख्फा, ठीक है, यानी कि जब आप नून साकिन के बाद देखते हैं कि कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो इख्फा का है, तो आप फिर क्या करते हैं, आप उसमें आवाज को छुपा लेते हैं, आवाज को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इख्फा। ठीक है, अब आपके पास एग्जांपल है नून साकिन। देखिए, नून साकिन का ये मतलब है कि जरूरी नहीं कि उसके ऊपर कोई ये लगा हो, ये जो राउंड सर्कल है। आपके पास अगर नून के ऊपर कुछ भी नहीं है तब भी वो क्या है, साकिन ही है। नून के ऊपर कोई हरकत नहीं है तो वो क्या है, आपके पास साकिन है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, आप मुझे बताइए मैंने क्या लिखा है। मीम जेर मीम है, मीम जेर मी है और नून साकिन है, मीम लिखा है ये मैंने, ठीक है, क्या लिखा है, मीन मिन। अब इसके बाद हम ये हमारे पास मिल दू निकुम, ठीक है। अब आपके पास नून साकिन है, उसके बाद आपके पास दाल आ गया। अब आपने इसको मिन नहीं पढ़ना, आप अपनी जुबान पर स्टैटिक रख लेंगे, तब अदा होगा मिल मिल दू निकुम, मिल दू निकुम। जी, मिन दूनी अब आप ये देखिए नून साकिन है आपके पास, ठीक है, आगे कुम फा है, तो अब आपने यहाँ पे गुन्ना तो नहीं करना, आप यहाँ पे इख्फा करेंगे। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, रज़क़नाहुम युन्फिकून, سيقول والذين يؤمنون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل بما أنزل إليك وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون 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 والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون شاباش.
अब देखें, ये जो इक्फा का इधर इजहार का और ये जो सारे रूल्स हैं, ये आपको तब याद होंगे जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको कुछ लेटर्स भी याद करने पड़ेंगे कि ये मद के लेटर्स हैं, ये गुन्ना के लेटर्स हैं, ये इक्फा के लेटर हैं, ये इजहार के लेटर हैं, ये इक्लाब के लेटर्स हैं। तो वो लेटर्स की हमने क्लासिफिकेशन की हुई है, तो जब आप वो करेंगे फिर आपको इंशाल्लाह मजीद समझ आएगा। अभी जस्ट एक बर्ड आई व्यू आपको देना था, क्योंकि हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं कुरान की, इसलिए ताकि आपको वो जरा समझ आ जाए। आई नो डैट वो थोड़ा मुश्किल होगा इस लेवल पे, लेकिन इंशाल्लाह जब हम उसकी थ्योरी करेंगे और आप उसको याद कर लेंगे इंशाल्लाह, तो वो भी मसला नहीं होगा। ठीक है, जी अब इसको मैं एक दफा पढ़ता हूँ, फिर आपने मुझे सुनाना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما زيد من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. अच्छा बना, कोशिश किया करें जरा ना ठहर ठहर के पढ़े। अल्लाह ताला ने जी फरमाया वरुत्तिल कुरआन तरतीला, और कुरान को तरतील के साथ पढ़े। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, हमने कहते हैं तरतील, ठहर ठहर के पढ़े। ठीक है, एक जी होती है तरतील, एक होती है तफखीम। आपके पास कुछ लेटर्स हम आपने ऑब्जर्व किए थे ना हरूफ मुफरदात में, कि कुछ तो लेटर्स आपके तरकीब क्या पास। होती जी मैं तरकीब क्या होती है? आपको बता रहा हूँ, आपने कुछ लेटर्स को ऑब्जर्व किया था कि तरतील पूछा या तरफीक पूछा है। जी ये तरतील तो आपने बता दी, ढेर ढेर के बना तरकीब और तरमीम। जी मैं बता रहा हूँ,
आपने हरूफ मुफरदात में देखा था कुछ लेटर्स हैवी पढ़े जाते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं जो आप बारीक पढ़ रहे होते हैं, जी 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 याद है आपको? जी, याद है। हाँ अब उनका नाम भी है ना, कि अब आप अरेबिक में ये तो नहीं कह सकते कि मैं ये हर्फ मोटा पढ़ रहा हूँ या हैवी पढ़ रहा हूँ, या मैं ये हर्फ लाइटर पढ़ रहा हूँ या बारीक पढ़ रहा हूँ। तो आप कहते हैं कि जब आप लेटर को मोटा करके या हैवी करके पढ़ रहे हैं तो आप उसमें तफखीम कर रहे हैं, तफखीम। और जब आप उसको बारीक पढ़ रहे हैं, जब आप उसको लाइट करके पढ़ रहे हैं, तब आप उसमें तरफीक कर रहे हैं। ठीक है, जी ठीक इसमें भी कुछ लेटर्स होते हैं, अलिफ है, लाम है, मीम है, सॉरी अलिफ है, लाम और रॉ है। कभी ये हैवी पढ़े जाते हैं, कभी लाइटर पढ़े जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ आरजी हरकात आ जाती हैं तब भी हम इसको देखते हैं कि कोई लेटर अगर वो जबर से पेश के लिहाज से लाइटर समझा जा रहा था लेकिन वो हैवी पढ़ा जाता है। ये सारे रूल्स हैं आपके, तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे जाके साथ साथ देखते रहेंगे। बस ये एज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन था कि आप इसको जरा समझ लें, और कुरान को आप जितनी भी खूबसूरती के साथ पढ़ें वो कम ही होता है, क्योंकि अल्लाह का जी कलाम है। सही हमें इसमें बस खूबसूरती लानी चाहिए कि हम, अब देखें जिस तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि हर हर हर्फ का एक रूल है। आपको ये पता चलेगा आपने इसको किस कैसे अदा करना, इसकी एक सिफत है, ठीक है, बा की एक सिफत है, ये कॉफ की एक सिफत है, इसके ऊपर जेर आ गया है तो आप इसको, इसके नीचे जेर, आप इसको किस तरह अदा करेंगे, यहाँ पे तशदीद आ गया आप इसको किस तरह हैंडल करना है, यहाँ पे गुन्ना आ गया है, यहाँ पे कलकला आ गया है, यहाँ पे खरी हरकात आ गई है, यहाँ पे नून साकिन है, यहाँ पे इफ़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सी मद करनी है, मद आरिस करनी है, मद लीम करनी है, मद लाजिम करनी है, ठीक है, उसके आगे भी टाइप्स होती हैं। यानी ये देखें एक छोटे से पेज के अंदर कितने ज्यादा रूल्स आ गए, कुछ का हमें पता चल गया, कुछ का भी इंशाल्लाह हमें मजीद पता चलेगा। ठीक है, सो जी इंशाल्लाह आपने बस इसी तरह डेडिकेशन के साथ जो आपके अंदर है आपने इसको फुलफिल करना है, और कुरान का जो आपने ये सफर शुरू किया है आपने उसको भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करना है। इस लेसन में आपको कोई भी कंसर्न है तो पूछिए। नहीं, मैं तो समझ गया, आपने बहुत अच्छा समझाया, जजाक अल्लाह अल्लाह। आपको जजाए खैर दे, और अभी हमारे पास कुछ टाइम है तो सबक तो हमारा हो गया है, हम कुछ मजीद बात कर लेते हैं। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और कुरान को एज अ हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट उतारा है, जिस तरह हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी, ये एक तरह का हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट ही है ना, जिस तरह आपके पास डिफरेंट स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इस तरह कुरान है। अब हर चीज का एक मैनुअल होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी उसका मैनुअल कुरान दिया, और नाउज बिल्ला हम उसकी बराबरी नहीं कर रहे, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग हम इस तरह के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। और आपको प्रैक्टिकल के तौर पे क्या दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दी, आप को एक बेहतरीन नमूना आप करार दिया। अल्लाह ने कुरान में जी फरमाया कि तुम्हारी आ के आप सल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूना क्या होता है, एग्जाम्पल होती है, एक तरह का मॉडल होता है, जिस तरह मॉडल हाउसेस बने होते हैं ना डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, वो आपको दिखा रहे होते हैं कि हमारा घर ऐसा होगा, तो आप एक घर देखते हैं तो आपने अगर दूसरा लेना हो तो आपको समझ आ जाती है उसको देख के इस तरह का मेरा घर होगा। इसी तरीके से जब आपके पास आप सल्लम की जिंदगी है तो आपको ये पता चलता है कि जिस तरह से आप सल्लम ने जिंदगी गुजारी है उस तरह से जिंदगी मैंने भी गुजारी, तो उसके लिए ही हम कुरान पढ़ते हैं। अब हमें अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर काम करना चाहिए। अब उसके कुछ स्टेजेस हैं, सबसे पहले तो कुरान ही है। अब ये जो आप तजवीद सीखते हैं ना, जी जी ये जो आप तजवीद सीख रहे हैं ये सिर्फ एक हाँ स्टेप नहीं है, मीन्स डेट अगर आपने तजवीज सीख ली, ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, आपने इसको अप्लाई भी कर लिया, तो आपका काम इसमें खत्म नहीं हुआ। आपने एक जी ऐसी फील्ड में कदम रखा है कि जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने उनको गुजारना ही गुजारना है। ठीक सही बात है, तो आपने ये तजवीज का अगर कर लिया, हिफ्ज आप करें ना करें वो लाजमी नहीं है, लेकिन
हिफाजत आपने करनी है। मीन्स डेट अगर आपको कुरान सारा हिफज है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर जो कुरान में लिखा है वो आपने नहीं पढ़ा, उसकी तफसीर को आपने नहीं देखा, कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है वो आपने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, और ना ही उसको फैलाया, फिर आप मुझे बताएं अगर आपने तजवीज सीख भी ली, उसके ऊपर मेहनत कर भी ली, नो डाउट सवाब आपको मिलेगा, बट क्या जो असल फायदा, असल मकसद कुरान का, वो कंप्लीट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होगा। सही नहीं है ना? तो जी, आपने बस डेडिकेशन के साथ लगे रहना है, और जब और आपके अंदर डेडिकेशन है, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की, कामयाबी और इस्तकामत दे, और आपके अंदर जोश आमीन जज्बा आमीन पैदा करे कि आप दीन के काम को भी साथ साथ लेकर चलें, और दीन दुनिया आखिर दोनों में आप सलाह महबूद पाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। तो इंशाल्लाह मेरी भी ये कोशिश है कि हम इस कोर्स में मेमोराइजेशन भी करें, कुछ रूल्स वगैरह भी सीखें, तजवीद भी सीखें, और कुरान जी को समझने की भी थोड़ी बहुत हम कोशिश करें इंशाल्लाह। हाँ, थोड़ी बाकी ग्रामर भी जरूरी, ग्रामर, पुरानी जी ग्रामर। जी अरेबिक भी हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे, ताकि जो अगर हम दुआ मनाजात याद करें तो वो आपको समझ आए। अरबी अरबी के देखिए, ग्रामर का मैंने कोर्स है, ये कोर्स है यहाँ पे इंडिया में, बहुत ही मतलब अच्छा कोर्स है और चीप कोर्स है वो। मैंने ये मेरे जहाँ पे रहता हूँ उसी के पास लखनऊ के कुछ लोग हैं, तो सारे मदनी उलेमा हैं, तो एक जो फाद भाई हैं जो मतलब कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्टार्ट करवाया है, और करीब 4 मदनी उलेमा हैं जो पढ़ा रहे हैं, और उसके 2 जो है पीएचडी होल्डर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। वो मेरी अच्छा क्लास जो होती है रात में 6 से 8 होती है रोज, डेली मंडे टू सैटरडे। तो यानी आप अरबी उसमें भी सीख रहे हैं? जी, एक मदीना अरबिक रीडर पढ़ा रहे हैं, एक एक साहब मदनी साहब, और एक पढ़ा रहे हैं अरबी अरबिया अरबिया बैनक बैनक लदैक करके एक किताब है, आप जानते हो शायद। और एक एक किताब है कससुल अंबिया, अरबिक ग्रामर की, अरबिक पढ़ा रहे हैं, और एक किताब है अरबिक बोलचाल, अच्छा कससुल अंबिया जी, वो भी अरबी अरबिक में है, उसको मतलब उसके तर्जुमे के साथ पढ़ा रहे हैं उसको। और अरबिया बैनक यदैक वो तो बहुत अच्छी किताब है, एक अरबी बोलचाल किताब है वो पढ़ा रहे हैं, एक मदीना अरबिक रीडर है वो पढ़ा रहे हैं, मतलब करीब ये 1 2 3 4, और एक नहु नहु पढ़ा, नहु मतलब नाउन जो होता नहीं है इंग्लिश में नाउन, जी एक वो पढ़ा रहे हैं, एक सर्फ किताब पढ़ा रहे हैं, मतलब समझिए जो 2 2 2 घंटे की रोज अलग अलग क्लास होती है, एक होती है 8 से 8 o'clock to 8:45, और एक होती है, दूसरी क्लास होती है 9 o'clock से 10 o'clock, और उसमें वो एक सर्टिफिकेट भी देंगे अपने एकेडमी का, और एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज सर्टिफिकेट देंगे, वो होता है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्नाइज, 1 साल का अरबी ग्रामर का सर्ट डिप्लोमा दे रहे हैं वो समझ, यानी 1 साल का है वो कोर्स। जी, 1 साल का कोर्स है पूरा। अभी मैंने लास्ट ईयर मैंने 1 महीने का मेरा छूट गया था, जून से स्टार्ट हुआ है, मैंने जुलाई की स्टार्टिंग में मतलब 1 महीने का सिर्फ छूटा है, जुलाई की स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मगर ये है कि अब हम उसको जो है थोड़ा मतलब टाइम तो क्लास में तो हम दे देते हैं, मगर उसके बाद उसको दोहरा नहीं पाते, मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं है कि हम जो है उसको दोहरा करके उसको ये करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मेरे पास लसानी पैदा टाइम नहीं किया बचता जी। आमीन बस। ये परेशान नहीं होना इसमें, वो जो वो कोर्स है आपका वो पूरी ही अरेबिक को कवर करेगा। मींस द एक जी होती है इंशाल्लाह। कुरानिक अरेबिक, ठीक है, और एक होती है पूरा जो आपने अरेबिक लैंग्वेज सीखने, दोनों में बहुत फर्क है। हम जो जी अपने जी जी कोर्स में जी बात करेंगे वो कुरानिक अरेबिक के हवाले से बात करेंगे। हाँ, हम लोग तो कुरानी अरबी के ठीक, बारे अब में। जी मुझे जी कोई जरूरत नहीं ना कि मैं आपको सिखाऊं कि आपने अरबी में बात कैसे करनी है, वो आपको फायदा जी तो जी नहीं जी होगा। हमने को सऊदीया हाँ जाके हाँ रहना है, वो हाँ सही बात, एज अ हम लोग सोर्ट कौन ऑफ सा। हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं है। इसमें जस्ट ये होता है कि जिस तरह हम डिफरेंट पोजेसिव नाउन भी, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन्स वगैरह होते हैं, यही जो इंग्लिश ग्रामर है ना वो ही आपके पास अरेबिक में होती है। लेकिन जी अरेबिक जी में जी जी एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि एक होती है इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल वाहिद जमा जिसको हम कहते हैं, अरेबिक में ड्यूल भी होता है, ठीक है, हाँ, डोल भी होता है। ड्यूल जी भी जी होता जी है उसमें। ये अरेबिक का एक फन है।
यानी कि आप जी अगर एक जबर से पेश को हिला दे ना, तो वो आपका तर्जुमा बदल जाता है। तो तजवीज सीखना इसलिए भी जरूरी है कि कुरान का तर्जुमा ना बदले, आप उसको जबर जे पेश जी के साथ ही पढ़ें। क्योंकि ये जबर जे पेश, हमने क्या बात की थी, आपके पास क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, शॉर्ट वोवल्स होते हैं। अब ये जो शॉर्ट वोवल्स हैं, ये आपके हेल्प करते हैं इसमें ट्रांसलेशन के अंदर। जिस तरह अगर हम मॉडर्न जी इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, हमारे पास फाइव वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें वाई ऐड कर ले, मॉडर्न इंग्लिश में वाई भी ऐड होता है, वो हम कहते हैं सिक्स वोवल्स हो गए। तो उन वोवल्स के लिहाज से आप उस उसमें आर्टिकल्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने उसमें कोई एडजेक्टिव करना है, तो आप स्कैन पे वाई लगा के, जैसे एल वाई लगा देते हैं, तो एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस तरह की चीजें होती है, ये हमने अरबिक में देखनी होती है। जब हमें वो पता चल जाता है ना कि देखें इसके ऊपर यहाँ पे ईन की एंडिंग आ रही है, यहाँ पे ऊन की एंडिंग आ रही है, ठीक है, ईन ऊन की एंडिंग जी आ रही है, तो उस तरह इस केस एंडिंग्स की वजह से हम जो होते हैं ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, वो हम समझ सकते हैं, ठीक जी नहीं, है। हम लोग इंशाल्लाह आप स्टार्ट करिएगा, वो भी अरबिक वाला भी, अरबिक गुरामे का, गुरामे का अरबिक भी इंशाल्लाह पढ़ा दीजिएगा हमको। मतलब कब? आप जब बताइएगा पढ़ लेंगे हम। ये मैं बस सर एक महीना ना थोड़ा सा हमारा बेसिक से ही हो जाए। अगर आप आपको जी नून साहब की नून तनवीन की कवायद का पता चल जाए ना, तो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। देखिए अभी मैंने आपको इक्फा और गुन्ना का बताया था, वो बहुत इजी रूल्स हैं, लेकिन आपको अभी पता ही नहीं है कि आपने किस किस लेटर के ऊपर करना है। वो लेटर आपको याद करने पड़ेंगे, याद खुद ही हो जाएगा इंशाल्लाह। सो अभी अगर हम उसको इजी भी करके देना, तो आपको वो फिर ग्रैप्स नहीं आप कर सकते। तो इंशाल्लाह हाँ ये जी, सही बात। 1 मंथ, में हम बेसिक रूल्स को कर लें, तो फिर सेकंड में हम इंशाल्लाह उसी में डाइविंग करेंगे, और फिर सबको हम सामने से इसमें लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई जान के आपका इतना इंटरेस्ट है, और इंडिया में रहते हुए आप इस तरह कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है। और बस अल्लाह ताला से बस यही मांगते रहा करें कि अल्लाह ताला जो भी आपको ये इल्म देना, वो बिल्कुल सही हो, और जी आमीन सही आमीन। इल्म दे, और उस इल्म के मुताबिक अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जब सही आपके बात, पास आमीन। इल्म आता है, तो लाइबिलिटी भी आ जाती है। आप सुनते हैं ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। तो अगर आपके पास इल्म जी है, तो लाइबिलिटी भी है आपके पास, तो आप इस लाइबिलिटी जी का सही ख्याल बात। रखना है जो आपके ऊपर इम्पोज होगी। चलिए जी, इंशाल्लाह। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। जजाकल्लाह जी, खैरन कसीरा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल जजाक रखिएगा। अल्लाह। अस्सलामु जी, अलैकुम जजाक। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जजाक अल्लाह।